हे दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं कैप्टन सिडनी और वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ अनचार्टेड लॉस्ट लेगेसी। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अनचार्टेड लॉस्ट लेगेसी। यार, अगर मेरे को रिकॉर्ड नहीं करना होता ना, मैं ये गेम सीधा बैठ के खेल लेता। मैंने सुना है 10 घंटे के आसपास का गेम प्ले है, तो मैं सीधा इसको बैठता और इसको ख़त्म कर देता। पर रिकॉर्ड भी करना है आप लोगों के लिए और अपलोड भी करना है, तो वो सारा कुछ भी करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे और खेलने के लिए। फर्स्ट एपिसोड बहुत ही अच्छा रहा था, उसमें हम लोगों ने प्रोलॉग देखा, क्लोई जो कैरेक्टर है उसके बारे में थोड़ा हम लोगों ने जाना, और इंडिया की जो थोड़ी सी स्ट्रीट्स है उनके ग्राफिक्स हम लोगों ने देखे। गेम के ग्राफिक्स बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही अच्छे है, और मैं वेट नहीं कर सकता और खेलने के लिए। तो ये जो कॉइन है जो रोटेट हो रहा है राइट हैंड साइड कॉर्नर में, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आई होप ये जो स्टोरी है पूरी वो बिल्डअप होगी और एक्साइटिंग होगी, जो कि अनचार्टेड की होती है। अनचार्टेड गेम्स का मेन मतलब, लोग अनचार्टेड गेम्स को पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें उन गेम की स्टोरी बहुत पसंद आती है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि क्या स्टोरी है। अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है इंडिया में। वो आप लोगों ने एंड में देखा कि पूरे एरिया में आग लगी पड़ी है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो पता नहीं क्या चल रहा है और कौन ये सब कर रहा है, धीरे धीरे हमें पता चलेगा। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 के साथ, जो है इन्फिल्ट्रेशन। तो शुरू करने से पहले फटाफट लाइक कर दो इस एपिसोड को, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अनचार्टेड आने वाला है एवरी सिंगल डे। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस हिंदी वॉक थ्रू को, और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो यहाँ पे ऊपर कुछ तो ओके, तो मुझे लगता है एकदम सिमिलर जो है इंटरफेस है गेम का अनचार्टेड 4 से। अनचार्टेड 4 में भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो नेथन ड्रेक अपने भाई सैम को ऐसे बूस्ट करता था ऊपर, और फिर अब ये जाके लैडर मेरे लिए नीचे फेंकेगी, तो वही चीज़ होती थी। और अनचार्टेड 4 की मेमोरीज वापस आ रही हैं, मतलब मैंने अनचार्टेड 4 खेली थी शायद उसको 6 महीने हो चुके हैं, 6-8 महीने हो चुके हैं कि मैंने खेली, मैंने रिसेंटली खेली है गेम। तो उसकी सारी जो मेमोरीज है, नेथन ड्रेक कैरेक्टर से जो अटैचमेंट है, वो सब कुछ वापस आ रहा है। मुझे पता है कि नेथन ड्रेक अब वापस नहीं आने वाला है, तो फिर भी देखते हैं ये गेम हमारे लिए क्या क्या लाया है। बच गया, मैं वहां पे गिरने वाला था नीचे। तो अब हम लोग आई थिंक जा रहे हैं उस बंदे से मिलने, जो बंदे का लास्ट एपिसोड में वो नडीन ने हमें उस बंदे को बताया था। अनचार्टेड गेम्स की एक खासियत है, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप गिरने वाले हो या आप मरने वाले हो, पर वैसा होगा नहीं। ओ, जैसे मैंने वो बोला और वो गिर गई, तो डेफिनेटली नीचे तो नहीं जाना है। ऑल राइट, तो ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है। और मैंने सोचा नहीं था कि इंडिया के ऊपर ऐसी कोई गेम बनेगी। मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इस गेम से काफ़ी हैं, क्योंकि गेम इंडिया में है, मतलब इंडिया में लोकेटेड है गेम, और देखते हैं किस तरह से वो लोग डिपिक्ट करते हैं पूरी गेम के ग्राफिक्स और वो सब। अभी तक के लिए तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे टेरेस पे कपड़े सूख रहे हैं। Move on to the ledge to shimmy. Okay. तो देखते हैं इसके ऊपर जाना है शायद। Come on, this way. You realize we're moving away from a soft skin. Yeah, we're taking the long way. और क्लोई बहुत ही टफ है एज अ कैरेक्टर, किसी की भी बैंड बजा सकती है ये बंदी। और नीचे जाना है या ऊपर जाना है? मुझे लगता है ऊपर ही जाना है। राइट, तो यहाँ पे तो पहुँच गए, अब जंप करते हैं। ओ, बच गए भाई। Yeah.
use tall grass to stay hidden from enemies. जो कि एकदम बेसिक है अनचार्टेड का. उसको इस तरफ आने दो, फिर उसके ऊपर ही कूदूंगा मैं. नहीं आ रहा है, हम लोग ही चले जाएंगे वहां पे. भाई आज तेरा कोबरा होने वाला है. All right, तो यहाँ पे ये आई थिंक इसको ट्रेजर ले लेते हैं. क्या मिला हमें? ओह, इंस्पेक्ट करते हैं. मिलिट्री सर्विस लाइटर, गणेश फिगरीन. तो ये सारे ट्रेजर्स हमें थ्रू आउट द गेम कलेक्ट करने होंगे, जो हर बारी होता है. All right, यहाँ पे छोड़ देता हूँ मैं इसको, और यहाँ से ऊपर जाते हैं, देखते हैं. ऑलराइट. अरे बच गए. ये पार्ट खेल के मेरे को अनचार्टेड 4 का जो प्रोलोग था, जिसमें नेथन ड्रेक एक छोटा था, वो मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि बहुत सिमिलर है ये. भाई टूटना मत. Just exploring our options. Sit tight. कूद जा भाई. इस तरफ जाना है क्या? नहीं, ऊपर वाले पे जाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे कूदना पड़ेगा. तो यही है, ये आपको फिगर करना पड़ता है कि कैसे आप लोग कूदोगे, कैसे आप लोग जाओगे. वो सब वही इस गेम की मेन चैलेंज है. ओ, यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं, पर एक मिनट थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है, कैसा लग रहा है. बारिश हो रही है, बहुत ही बुरा सा वेदर है, पर ग्राफिक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. और आगे बढ़ते हैं यहाँ से. पता नहीं ये नेडीन कहाँ पे है, मैं उसका वेट भी नहीं करने वाला. मुझे तो बस खेलना है भाई, मैं किसी की वेट नहीं करने वाला हूँ. तो शायद इस तरफ इसको पुश करना है. इस तरफ ही है ना? हाँ, इस तरफ ही है. ओह, ये मैंने क्या किया? अरे बाप रे, ये नेडीन तो नीचे गिर गई. नीचे ही गिरना था क्या? तो कहीं पे भी कुछ भी दिख तो नहीं रहा है मुझे, पर आगे बढ़ते हैं हम लोग. वहाँ पे वो बंदा खड़ा है, वो हमें देखने वाला है, तो वो देखे उसके पहले ही निकल लेते हैं. मैं एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि ये चल क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है, हम लोग कर क्या रहे हैं, और हम लोग किसको मिलने जा रहे हैं, और हम लोग क्यों इंडिया आए हुए हैं, हम लोग क्या ढूंढने वाले हैं, ऐसा कौन सा ट्रेजर है जिसको हम लोग ढूंढने वाले हैं. यहीं पे था ना वो बंदा? नहीं, यहाँ पे नहीं है, आगे है. यहाँ पे ही था. कहाँ गया? दिख तो नहीं रहा मेरे को वो. नहीं, यहाँ पे नहीं, ये कोई और ही फ्लोर पे था शायद, पता नहीं. छोड़ो, हम लोग आगे बढ़ेंगे. ये दरवाज़ा तो नहीं खुलता. नहीं, नहीं खुलता. तो इसके ऊपर जंप करता हूँ मैं. ओ, भागो भाई. सीधा मेरे ऊपर ही खड़ा है वो बंदा, उसको मैं वहाँ से ही गिरा दूँगा.
सीधा पंच पड़ा गुद्दी पे पीछे और नीचे सीधा। तो ये डेफिनेटली साउथ इंडिया में आए हम लोग, ये जो लैंग्वेज है वो मेरे को साउथ इंडियन लग रही है। ऑलराइट भाई नडीन हिल ले। आई थिंक ऊपर जाना है हमें, यहाँ से ही जाना होगा। क्या बात है भाई, ये क्लोई तो भाई बंदर है एकदम, यहाँ से वहाँ कूद रही है। इस चीज़ ये लॉकपिक का एक ग्लिम्स हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, पर फिर भी उसमें इतना मतलब वो लोग देख रहे थे तो मैं इतना जल्दी में था तो मैं आप लोगों को समझा नहीं पाया। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि इसने तोड़ ही दिया। अरे मैं समझा रहा था यार, तूने तोड़ क्यों दिया? तो ये कोई बंदा क्रॉस है उसके बारे में बात चल रही है और ये उसका एंटीक स्टोर है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसने पता नहीं अगर चुराई हैं या खरीदी हैं, पर ये एंटीक्स की of curious cats here. Speaking of, good point. It doesn't bother and me. These are all Indian artifacts. It's not my fight. तो एंटीक्स का शौक रखता है ये क्रॉस्ट, और अलग अलग किस्म के टाइगर की स्किन पेंटिंग्स और अलग अलग किस्म की चीज़ें इसने रखी हुई है। तो यही लग रहा है मुझे हमारा बंदा जिसको हम लोग मिलेंगे और जो हम लोग ढूंढने निकले हैं। वो शिवाजी महाराज, हम लोग जो ढूंढने निकले हैं वो हम लोगों को वो ही देगा। फ्लिप, फ्लिप भी कर सकते हैं। इस तरफ जाके देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओह ये क्या था, देखते हैं। टैक्टिकल कंपस, ये सारी चीज़ें पता नहीं कैसे काम में आने वाली है हम लोगों को गेम में, पर अभी के लिए तो मैं ये सब कुछ लेते जाता हूँ। ओह ये क्या है, फ्लिप, पता नहीं क्या है। That looks promising. It's locked. Not for long. All right, तो फाइनली हम लोग लॉक पिक करने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे करना है। तो इसे बेसिकली घुमाना है टिल द टाइम आपका कंट्रोलर वाइब्रेट होने लगे, और फिर वो आपको एक एरो दिखाएगा और ऐसे ग्रीन होगा तो मतलब आप सही जा रहे हो। वहाँ पे आपको होल्ड करना है उसे और वो खुल जाएगा। काफ़ी अलग तरह का लॉक पिक है ये, पर पता नहीं अगर ये डिफ़िकल्ट होगा आगे जाके, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत इजी लग रहा है ये। डन, खुल गया है। ओ संभाल भाई नडीन, कोई आ ना जाए। ये तो वही कौन है? नेडीन रॉस, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। केयरफुल ब्रदर्स, this tiger's got claws. Asof. Oh, all these years.
And you haven't aged a day. You're too kind. Are you looking for work? I hear that Shoreline's under new management. Temporary setback. Nothing I can't handle. Of course, of course. Pidgey, though. My men and I could use someone of your caliber. Why are you here? And this isn't your area of expertise. It is a nice collection, I must say. Chloe Frazer, collector of antiquities. A thief? You're working for a thief. Sir, we have a situation. What? I'll be right there. The disc. Oh, right. About that. At first, I mistook you for just an average rebel. But you have managed to find the Hoysala Empire. That's not bad. Their greatest treasure, the Tusk of Ganesh. Well, that's not an easy find. What are you doing? Three Persian invasions, three separate wars, and all these years later, no one has found it. We're close. You're lost. And the only chance you have of even narrowing down its location is to find someone who can help you crack this artifact. Someone with an extensive knowledge of Hoysala society. Exactly. An expert in their culture and history. My rates are reasonable. A parasite. Who exploits our struggle in order to fatten her pockets. So that's a no. Felt like a no. You've got balls. I like that. But I don't need any more so-called experts. Shoot them. Throw their bodies in the river. No need. We'll throw ourselves out. After them! Bhago, bhai! ओ माय गॉड, इसने तो सीधा टेबल को धक्का मार दिया और हम लोग भागने लगे। एक मिनट पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं क्या चल रहा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओ नीचे गिर जाएगी, ओ शिट। ऑलराइट, तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे। भाई नडीन जल्दी करना, मेरे को रास्ता दिखा दे। अरे गिर गई ये तो। मैंने जंप ठीक से टाइम ही नहीं किया यार। ये नडीन है कहां पे? वो इतना स्लो चल रही है। तो यहां से अब यहां पे जंप करना है। इस बारी पकड़ लिया इसने और हमें गोलियां पड़ रही हैं जबरदस्त वाली। ये नडीन हमारे पीछे ही है। मेसी बट इफेक्टिव। यू वर गोइंग टू सेल मी आउट, वरंट यू? इट्स कॉल्ड इम्प्रोवाइजेशन। God, who's being unprofessional now? What the hell is that supposed to mean? It means you let Asav get the jump on us. I'm starting to wonder whether you're worth the 50%. I knew it. You were going to give me up. Because the Limbic can't change her spots. You know nothing about me. Fair warning. Last person who betrayed me wound up dead. There's your river. Yeah? And your guy better be there. Shit!
time to go. Hey, ye log kahan se aa gaye? कूद भाई, अरे मैं गिर जाऊंगा भाई। नडीन ने हेल्प कर दी हम लोगों को, इसको तो मैं ऐसे मार दूंगा साले, लात खा मेरी। साले बुजदिल लोग गन यूज कर रहे हैं और लड़की को मार रहे हैं, मेरे को भी गन दे दो, मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा। जाना कहाँ है भाई? ओ मैं मरने वाला हूँ भाई। अरे गिरना नहीं भाई, ये मार कहाँ से रहा है? अच्छा यहाँ से मार रहे हैं ये लोग। जस्ट पकड़ा भाई, इतनी बारिश में इसकी ग्रिप कैसे बैठ रही है मेरे को ये जानना है। अरे भागो भाई, गोलियां पड़ रही हैं। अरे भागते रहो। ऑलराइट, यहाँ पे तो हम लोग डेफिनेटली नहीं पहुँच सकते, इसके ऊपर चढ़ तो सकते हैं, नहीं नहीं चढ़ सकते। अरे भाई गोलियाँ पड़ रही हैं हमें। अरे बच के भाई, अरे सीधा पानी में। क्या था ये, एकदम इंटेंस। How are we going out there? On schedule. Should hit land in about an hour. Great. No wonder the whole solar capital was ransacked. Look at this thing. Any luck? I don't need luck. I'd say we can use all the luck we can get. Are you still hung up on Asav's so-called expert? Don't worry. If Asav's not in the gets already, he'll be right on our heels. Plus, he's got weapons, transports, hundreds of men. Like I said, don't worry. Looks like some kind of key. Maybe. Let's see. Okay. The trident was Ganesh's weapon. The bow and arrow was Parashurama's. And the axe was a gift from Shiva. क्या जबरदस्त डिपिक्शन किया है इन लोगों ने। The great battle. What? The battle in which Ganesh lost his tusk. I bet we find these symbols. We find the tusk. Not bad, Fraser. Yeah, well. You thank my dad for that Hindu mitzvah his thing. I'd have rubbed off. You must be proud. Sun's almost up. I'll go get ready. Nice work. भाई ये स्टोरी तो जबरदस्त होने वाली है। टस्क ऑफ गणेश,
वो ढूंढने वाले हैं हम लोग. क्या बात है, ग्राफिक्स को देखो यार, क्या बात है. वाव, ऐसा लग रहा है कि मैं एक्चुअल में वहाँ पे हूँ. इतने अच्छे, इतने रियल ग्राफिक्स है. वेस्टर्न घाट्स जिन्हें कहते हैं, वहाँ पे हम लोग. It's not a modern structure, so we're definitely on the right track. What? I don't like it. You don't like anything? No. We've gone nearly 100 kilometers with no sign of a Sov. Glass half full, maybe we got the jump on them. Unlikely. I'll find the Tusk. A Sov's on you. Understood. Meet you back at the car. Yep. All right, तो चैप्टर 3 शुरू होने वाला है. तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चल क्या रहा है और हम लोग कर क्या रहे हैं. बेसिकली ये है कि असाफ जो बंदा है जिसको हम लोगों ने अभी हम लोग उसको मिले, वो बंदे की पूरी जो आर्मी है और पता नहीं उसके जो भी दोस्त हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत की उस कॉइन को ढूंढने में जो कि एक क्लू है, जो टस्क ऑफ गणेश है वो ढूंढने के पीछे. और वो टस्क ऑफ गणेश वो बहुत ही कीमती है और यू नो उसको सारे लोग ढूंढ रहे हैं. तो बेसिकली क्लोई क्या करने वाली है, वो नडीन के साथ मिलके उस टस्क को ढूंढने वाली है. और असाफ जो कि मेन, मुझे लग रहा है कि मेन विलन है, वो हमें रोकने वाला है. तो बहुत सारा मज़ा आने वाला है इस टस्क को ढूंढने में. और वेस्टर्न घाट्स के ग्राफिक्स यार ज़बरदस्त, मतलब मेरे को पता नहीं, मैं कुछ बोल नहीं सकता यार, इतने अच्छे ग्राफिक्स. तो बहुत ग्राफिक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. पूरा का पूरा इंटरफेस गेम का बहुत अच्छा है. अभी जो हम लोगों ने चेस की वो भी ज़बरदस्त थी. तो थोड़ा टाइम लगेगा यूज़ टू होने के लिए, पर अनचार्टेड लॉस्ट लेगेसी की फीलिंग ऑलरेडी आ रही है मेरे को अनचार्टेड गेम की. तो बहुत सारा मज़ा आने वाला है. पर आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं. अगर आप लोग नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो इस वीडियो को, ताकि मैं और वीडियोस जल्दी से जल्दी बना सकूं. मैं GTA 5 भी खेल रहा हूं और Just Cause 3 और Until Dawn भी खेल रहा हूं. पर अभी के लिए मैं फोकस करने वाला हूँ कि मैं अनचार्टेड खेलूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गेम को खेलने के लिए और आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी हैं. तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं. मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय.